हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह आज आप लोग के सामने एक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर भी आप किस तरह फॉर्म भर सकते हैं जेई मेंस का। सो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि बहुत से लोग के पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता तो डायलेमा में रहते हैं कि क्या मैं जनरल से फॉर्म भरूँ या मैं अपने कैटेगरी से ही फॉर्म भरूँ। मेरे पास लेकिन सर्टिफिकेट तो है नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस केस में आपको मैंने सामने आपको एक अंडरटेकिंग दिख रही है, अपेंडिक्स टू में जो अंडरटेकिंग है, इसमें आपकी जो कैटेगरी से आपका जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है आप उस पर टिक कीजिए, आप सिग्नेचर कीजिए, अपना नाम लिखिए और उस कैटेगरी सर्टिफिकेट की जगह आप इसकी पीडीएफ बना के आप वहां पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन ये कब तक वैलिड रहेगा? मई 2021 तक वैलिड रहेगा, यानी मई से पहले आपको वो सर्टिफिकेट बनवा के आपको अपलोड करना पड़ेगा। ये थी बात कैटेगरी। उसी तरह पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी आपके पास है, कैटेगरी आपकी है और आपके पास बन नहीं पाया पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो उस केस में भी आप यही अंडरटेकिंग टू को एक बार फिर से निकालिए और उसके बाद इसमें इस बार क्या करिए, पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी पे आप टिक करके सिग्नेचर और नेम लिख के पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी में आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्राइब के बारे में। स्क्राइब क्या होता है? जनरली मुंशी होता है, मुंशी जो आपकी जगह एग्जाम देगा, आपकी जगह मतलब आप बोलेंगे वो सिर्फ एक लिखने के काम करेगा, मतलब आप जितने लिखने वाला काम होगा सारा वो करेगा। तो उसके लिए भी एक अंडरटेकिंग है अपेंडिक्स वन में, जिसमें मुंशी की फोटो लगेगी, मुंशी का नेम लिखेगा, उसका आईडी क्या है, उसका आईडी नंबर क्या है, जनरली आधार कार्ड आप बोल सकते हैं, और सिग्नेचर आपका सिग्नेचर लगेगा। अगर आपका मुंशी है तो सिग्नेचर आपका भी लगेगा, उसका भी लगेगा। तो ये सारी बातें थी अंडरटेकिंग रिलेटेड कि आप जेई मेंस का फॉर्म भरते समय आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें थी। और भी अगर आपको जेई मेन फॉर्म रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मुझे आपके डाउट क्लियर करने में बहुत खुशी मिलेगी। और अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, मुझे आपके डाउट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। साथ साथ मुझे एक मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। इन्हीं सब बातों